हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जो है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का 21 स्कीम का मॉडल पेपर सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 5B डिस्कस करेंगे। तो अभी हम आपको पिछले वीडियो में न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग का एक्सप्रेशन बताए थे और उससे रिलेटेड आपका जो है सेट 1 का एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाए थे। तो क्वेश्चन का जो है हमेशा आपका पैटर्न सेम रहता है, बस जो है सिर्फ आपका वैल्यू चेंज होता है। तो देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को भी कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो पिछला आपका अप्रोच था, जो आपको फॉर्मूला बोले थे याद रखना है, तो वो फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो देखिए आपका फॉर्मूला क्या था, कैपिटल टी इक्वल टू टी टू प्लस टी वन माइनस टी टू इंटू ई टू दी पावर माइनस के टी, जहां पे आपका टी वन क्या था इनिशियल बॉडी टेम्परेचर, टी टू था आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर और कैपिटल टी था आपका टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट एनी टाइम स्मॉल टी। तो देखिए अब क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन से सबसे पहले ये सब वैल्यू हम निकाल लेते हैं अपना। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है वाटर एट टेम्परेचर 10°C, तो इसका मतलब क्या है आपका ये इनिशियल टेम्परेचर है, यानी टी वन का वैल्यू दिया हुआ है आपका 10। उसके बाद फिर टेक्स 5 मिनट, यानी आपका स्मॉल टी का वैल्यू जो है वो 5 मिनट दिया हुआ है टू वार्म अप टू 20°C। तो टी इक्वल टू 5 मिनट के बाद जो है आपका इस टी का वैल्यू क्या हो गया 20°, यानी आपका कैपिटल टी इक्वल टू हो जाएगा 20। अब देखिए अब सराउंडिंग का टेम्परेचर देखते हैं, तो रूम टेम्परेचर और सराउंडिंग टेम्परेचर एक ही मतलब है, तो वो दिया हुआ है 40°C, यानी आपका टी टू इक्वल टू हो जाएगा 40। तो देखिए अब पूछा है कि फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 20 मिनट्स, तो कैपिटल टी कितना होगा आफ्टर टी इक्वल टू 20 मिनट्स। तो देखिए जैसा हम पिछले क्वेश्चन में भी हम किए थे, आपका K का वैल्यू जो हम पहले फाइंड करेंगे ये सब वैल्यूज से, और उसके बाद हम इस टाइम के लिए जो है आपका कैपिटल टी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो देखिए आपका कैपिटल टी का वैल्यू दिया हुआ है 20, तो 20 इक्वल टू हो जाएगा आपका, और टी टू का वैल्यू है 40, तो 20 इक्वल टू 40 प्लस फिर टी वन है आपका 10 माइनस 40 इंटू ई टू दी पावर माइनस के इंटू, और देखिए आपका स्मॉल टी का वैल्यू है 5 मिनट्स, तो ये हो गया 5। तो यहां से जो है जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका 40 LHS में आ जाएगा, यानी लिख सकते हैं माइनस 20 इक्वल टू 10 माइनस 40 आपका माइनस 30 हो जाएगा, माइनस 30 इंटू ई टू दी पावर माइनस 5 के। तो यहां से जो है आपका ई टू दी पावर माइनस 5 के का वैल्यू आ जाएगा 2/3, क्योंकि जब आप 30 को LHS में लेके आइएगा तो 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 2/3 हो जाएगा। तो देखिए इसके बाद जो है आपको कैलकुलेटर का हेल्प लेना होगा, तो कैलकुलेटर का भी हेल्प लेने से पहले आपको लॉगरिथम का बेसिक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। तो जब आप दोनों साइड लॉग लीजिएगा, तो देखिए जब आप यहाँ पे लॉग लगाइएगा तो ये हो जाएगा आपका लॉग ई टू दी पावर माइनस 5 के इक्वल टू लॉग 2/3, दोनों तरफ हम लॉग लगाते हैं। अब देखिए लॉग का जो है यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट जो है आपका बेस ई है यहाँ पे, जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर रहे होंगे तो कैलकुलेटर में जो आपका लॉग दिया हुआ है उसका बेस 10 है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। लॉग ई के लिए जो है वो भी आपका फैसिलिटी आपके कैलकुलेटर में अवेलेबल है, तो लॉग बेस ई के लिए आपको ये सॉल्व करना है, या एलएन लेके आप सॉल्व कर सकते हैं आपके कैलकुलेटर में दिया हुआ है। तो यहां से जो है हम के का वैल्यू जो है कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे। तो अब देखिए यहां पे जो है आपका एक लॉगरिथम का एक प्रॉपर्टी होता है लॉग बेस ई, और ई लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू आपका 1 हो जाता है। और देखिए लॉग एक्स टू दी पावर एम हम आपको बताए थे कि लॉग एक्स टू दी पावर एम इक्वल टू आपका होता है एम लॉग एक्स। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस 5 के इंटू ये वाला पूरा टर्म, और ये वाला पूरा टर्म का वैल्यू आपका क्या है 1 है, तो ये इसको हम सिंपली लिख सकते हैं माइनस 5 के। तो यहां से जो है आपका तो यहां से जो है आपका माइनस 5 के इक्वल टू लॉग टू दी बेस ई 2/3, तो इसका वैल्यू हम फाइंड करते हैं यहां से के का वैल्यू, तो हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे। आप लोग भी अपने कैलकुलेटर का यूज करके इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम जो है डायरेक्ट यहां पे वैल्यू लिखने जा रहे हैं अपना कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके, तो देखिए कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने के बाद K का वैल्यू आपका आएगा 0.081, तो ये आपका हो गया K का वैल्यू। इसी K का वैल्यू को जो है अब सब्स्टिट्यूट करना है और इस टाइम के लिए जो है आपको अब सॉल्व करना है। तो अब
आते हैं इस टाइम पे जो है कैपिटल टी का वैल्यू क्या होगा वो हमको निकालना है। तो क्वेश्चन पे आते हैं, तो फिर से जो है आपका सिमिलर फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा होगा, यानी t इक्वल टू टी टू प्लस टी वन माइनस टी टू इंटू ई टू दी पावर माइनस के टी। तो t इक्वल टू हो जाएगा आपका टी टू, सराउंडिंग का टेम्परेचर आपका कितना दिया हुआ है 40 डिग्री सी, तो ये हो जाएगा आपका 40 प्लस, अब देखिए इनिशियल बॉडी टेम्परेचर क्या था आपका 10 डिग्री सी, तो 10 माइनस फिर आपका क्या है सराउंडिंग का टेम्परेचर, तो 40 इंटू ई टू दी पावर, अब देखिए k का वैल्यू, K का वैल्यू अभी आप फाइंड किए थे 0.081 आया था, तो ये हो जाएगा माइनस 0.081, यहाँ पे आपका ये डेसिमल है, इंटू टी है, तो आपको t इक्वल टू 20 मिनट पे फाइंड करना है, तो ये इंटू ये आपका यहाँ पे स्पेस कम इसलिए हम नीचे लिख दे रहे हैं, ये आपका ये इंटू 20 हुआ है, तो यहाँ पे आपको फिर से नॉर्मली आप इसको सॉल्व नहीं कर पाइएगा, ई टू दी पावर समथिंग आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना होगा, तो ये इक्वल टू आपका आ जाएगा 40 माइनस 10 माइनस 40 आपका हो जाएगा 30 और इंटू ई टू दी पावर माइनस 0.081 इंटू 20। तो हम अपने कैलकुलेटर से इसको डायरेक्ट सॉल्व करके इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो यहां से आपका t इक्वल टू आ जाएगा 34.07 37। तो देखिए डेसिमल के बाद जो है नॉर्मली ऐसे एग्जाम में कहा जाता है कि डेसिमल के बाद आप चार प्लेस तक वैल्यू जरूर कंसीडर कीजिए अपने कैलकुलेटर का, तो यही जो है आपका कैपिटल टी का वैल्यू हो जाएगा। आपका डेसिमल के बाद में भी वैल्यूज वेरी कर सकता है, एक दो डेसिमल वेरी भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, लेकिन उससे जो पहले का वैल्यूज है वो आपका सही होना चाहिए। तो आप लोग भी एक बार कैलकुलेट करके देखिएगा, मेरा भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप भी जो है एक बार इसको पूरा जरूर सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।